दुनिया भर में इस बात की चिंता है कि अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रही एमपॉक्स की बीमारी नया कोरोना साबित हो सकती है और इस वजह से दुनिया भर में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। कोरोना के कारण लॉकडाउन की बेदर्द मुसीबत को याद करते हुए भी लोग सिहर जाते हैं। इस वजह से लोगों के मन में इसकी चिंता होना लाजमी है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक्सपर्ट डॉक्टर हंस कोलेज ने इसका स्पष्ट जवाब दिया है। डॉक्टर हंस कोलेज ने कहा है कि एमपॉक्स नया कोविड नहीं है, क्योंकि अधिकारी ये जानते हैं कि इस बीमारी को फैलने से कैसे रोका जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या एमपॉक्स के नए वेरिएंट के कारण एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई आशंका नहीं है। अफ्रीका के बाद यूरोप में आए कुछ मामले के बाद यूरोप में लोग भी डर रहे हैं। एमपॉक्स का जो नया वेरिएंट क्लैड LB आया है वो बेहद खतरनाक है और इस बीमारी के कारण मौत का जोखिम 10 से 11% तक है। इसे देखते हुए पूरी दुनिया में भय होने लगा है, खासकर यूरोप के लोगों में। इस बात पर WHO में यूरोप के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हंस कोलेज ने कहा है कि वायरस के नए वेरिएंट को लेकर बेशक चिंता है, लेकिन हम सब मिलकर इस बीमारी के संक्रमण को रोक सकते हैं। हाल के कुछ महीनों के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एमपॉक्स के कारण 450 लोगों की मौत हो चुकी है और इसका एक मामला स्वीडन में भी सामने आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए वेरिएंट के बारे में हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान हालत ये है कि ये बीमारी आसानी से फैल सकती है और गंभीर बन सकती है। मायो क्लिनिक के मुताबिक एमपॉक्स संक्रमण का असर संक्रमण के 3 से 17 दिनों के बाद दिखने लगता है। संक्रमण का असर दिखने के बाद मरीज में बुखार, स्किन में रैशेज, नसों का फूलना, सिर दर्द, बदन में ऐठन, पीठ में दर्द, ठंडी और थकान जैसे लक्षण मरीज में दिखने लगते हैं। मंकी पॉक्स में स्किन पर पूरे रैशेज मुख्य रूप से मुंह, हाथ और पैरों में होते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।